वेलकम टू मामी का मैजिक। मैं हूँ अमृता रायचंद और आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस मैजिकल अमेजिंग यमी शो पर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सवेरे आंखें तो खुल गई हों लेकिन बिस्तर से निकलने का मन बिल्कुल नहीं करता? हुआ है ना? आई नो हम सबके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन उन दिनों भी बच्चे तो स्कूल जाते ही हैं, टिफिन तो उनका पैक करना ही पड़ता है, तो क्या किया जाए? उस दिन ना आपको क्रिएटिविटी यूज करने का मन करता है, ना आपके पास इतना टाइम होता है, ना कुछ भी करने का दिल करता है। तो नॉट टू वरी, वहां भी काम आता है मम्मी का मैजिक। हमारे पास है एक मजेदार रेसिपी जिसके साथ हम आज का एपिसोड शुरू करने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इट्स बेसिकली कैरेट एंड पीस दलिया। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दलिया जो हमें आधे घंटे के लिए सोक करना है। तो ये रहा आपका दलिया जो सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में कुकिंग करने के बहुत फायदे होते हैं और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि झटपट से आपकी डिश तैयार हो जाती है। ओके, सो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। आप तेल के साथ भी बना सकते हैं लेकिन क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लेट्स इंडल्ज देम अ लिटिल। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और जैसे ही ये बटर हल्का सा गर्म हो जाए, यूजुअली मैं क्या करती हूँ जब बटर यूज करती हूँ तो हल्का सा उसमें तेल भी डाल देती हूँ ताकि बटर जले ना। तो इसे आप हल्का सा मेल्ट होने दीजिए। बटर बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है और जलने का डर होता है, इसलिए यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। उसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा। जैसे ही थोड़ा बटर गर्म हो जाए इसमें आप जीरा डाल दीजिए। थोड़ी देर इसे सॉटे कीजिए। जैसे ही जीरे की हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आने लगे इसमें हम डाल देंगे बारीकी से चॉप किए हुए अनियंस। हमारे अनियंस भी फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं हमारे मटर। मटर डालेंगे। ओके, ये अनियंस थोड़े से सॉटे हो जाए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बारीकी से कटे हुए टमाटर। अब इसे थोड़ी देर और भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बारीकी से चॉप किए हुए गाजर। गाजर भी फुल ऑफ विटामिन ए हैं, आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंड नाउ इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। स्वाद अनुसार नमक आप डाल दीजिए और अगर चाहें तो अ डैश ऑफ फ्रेश ब्लैक पेपर। थोड़ी सी खुशबू के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस दलिये को आप अब इसमें डाल दीजिए, पानी के साथ ही डाल दीजिए। होल व्हीट दलिया हमने यूज किया है। होल व्हीट इज फुल ऑफ फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। फाइबर बच्चों के डाइजेशन में हेल्प करता है, उनके उन्हें एनर्जी देता है। एंड अर्ली मॉर्निंग जब आप इसे ब्रेकफास्ट में सर्व करें या उनके टिफिन में सर्व करें तो उनको जो स्पर्ट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है सवेरे सवेरे, वो आप इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं इस रेसिपी के दौरान। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नथिंग, सिर्फ प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए। ओके, बस दो सीटी एंड हमारा दलिया रेडी हो जाएगा। हमारा दलिया भी रेडी है, दो से तीन सीटी आ चुकी है इसमें। बस ये थोड़ा ठंडा हो जाए, प्रेशर इसका ढीला हो जाए एंड तब हम कुकर खोल देंगे एंड इट विल बी रेडी टू सर्व। लवली, पक गया हमारा दलिया। इतना झटपट कभी आपने कोई चीज बनाया? वेल, अगर आप प्रेशर कुकर यूज करेंगे तो बनाया ही होगा। चलिए, ये टिफिन हमारा तैयार है। अब इसमें हम निकाल लेते हैं जो दलिया बना है उसे।
बस अब इसे हम गार्निश कर देंगे थोड़े से धनिया के साथ। दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल। फाइनली चॉप कर लेते हैं धनिया को। एंड बस इसे अब इस दलिये के ऊपर आप लगा दीजिए, कैसा गार्निश कर दीजिए। एंड नाउ टू कंप्लीट द बॉक्स, थोड़े से बिस्किट्स डाल देते हैं जस्ट इन केस बच्चों को और भूख लगे या वो कुछ और डिफरेंट खाना चाहे। साथ में थोड़े से फ्रूट्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रियल फ्रूट पाव, बिकॉज विद रियल एट होम हेल्दी इज हैप्पी। ओके अब तैयार हो गया है इट्स अ कंप्लीट होलसम टिफिन। और देखा कैसे आधे नींद में भी ये झट से बन जाएगा। तो चलिए ये आधी नींद वाली रेसिपी को एक बार फिर से झट से देख लीजिए। Let's take a quick look at the quick recap. कैरेट एंड पीस दलिया बनाने के लिए पहले एक प्रेशर कुकर में दो बड़े चम्मच मक्खन को गर्म कर लें। अब इसमें एक बड़ा चम्मच साबुत जीरा और एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज डाल लें। प्याज को थोड़ी देर पकने दें और फिर इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल लें। टमाटर गलने के बाद इसमें आधा कप मटर, स्वाद अनुसार नमक, कुटी हुई काली मिर्च और दो कटी हुई गाजर डाल लें। अब दलिये को प्रेशर कुकर में डालकर दो सीटी आने तक पकाएं। इसे धनिया से गार्निश करके सर्व करें।